अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास टू डे अवर लेक्चर इज़ लेक्चर 9 एंड चैप्टर इज़ चैप्टर 3। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्लांट्स। इसमें प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि जो लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड विच द प्रिपेयर देमसेल्फ। यू नो कि प्लांट्स जो है अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो और प्लांट्स से हम हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन एनिमल्स कोई भी हैं, तकरीबन लिविंग थिंग्स का डिपेंड जो है वो प्लांट्स पे है, ठीक है। तो दो प्रोसेस हैं प्लांट्स के, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस अब स्टार्ट से ही पढ़ते हुए आते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स का, ठीक है। तो फूड मेकिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। एंड देन रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस में फूड मेकिंग प्रोसेस होगा और रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होगा, ये इसके डिफरेंस है इन दोनों में। अच्छा, मज़ीद हम इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले हम लीफ का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि लीफ के स्ट्रक्चर में, इनर स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब ज़ाहिर तौर पर तो हमें सिर्फ लीफ के ऊपर वेंस नज़र आ रही होती हैं इस तरह से, लेकिन अब इनके अंदर कुछ टिश्यूज़ मौजूद हैं, कुछ पार्ट्स मौजूद हैं, तो वो हम देखेंगे आगे। तो किसी भी लीफ के इनर पार्ट जो हैं वो 3 हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस की भी मज़ीद लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ये देखें डायग्राम में, ये अपर एपिडर्मिस है इसका, ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये है लोअर एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस के 2 लेयर्स हैं। अपर एपिडर्मिस जो है, अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस एंड लोअर जो लेयर होगी वो होगी लोअर एपिडर्मिस। और स्टोमेटा है तो स्टोमेटा भी लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, अपर एपिडर्मिस में मौजूद। ये देखें गार्ड सेल नज़र आ रहे हैं आपको, तो स्टोमेटा जो है लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होंगे और अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद नहीं होंगे। ई स्टोमा हैज़ ओपनिंग एंड 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हैं, बीन कहते हैं लोबिया के बीज को, ये लोबिया के बीज की तरह से इस तरह से हैं, ये गार्ड सेल्स मौजूद हैं। अब नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स बिटवीन द लीफ सेल्स एंड द एयर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। कि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर्स, इन सब का जो एक्सचेंज होता है ये भी स्टोमेटा के थ्रू होगा लीव्स में, ठीक है। लीव्स में और तो कोई, अब जो लीव्स में छोटे छोटे जो सुराख हैं, इनर हैं, हमें नज़र नहीं आते, आखिर वो भी तो सब चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं ना इन्वायरमेंट से, और फूड मेकिंग प्रोसेस भी लीव्स में हो रहा है, लेकिन हमें नज़र तो नहीं आ रही होती उनकी लेयर्स या उनके सुराख हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, एयर, ये सब कुछ जो है स्टोमेटा के थ्रू होता है। अच्छा, हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि मेसोफिल भी है एपिडर्मिस के बाद, मेसोफिल और फिर वैस्कुलर बंडल है। तो अभी हमने डिस्कस किया है एपिडर्मिस को, कि एपिडर्मिस के 2 लेयर्स हैं और किस किस तरह से हैं, किस में स्टोमेटा है, किस में नहीं है, ठीक है। अब देन है मेसोफिल। अब मेसोफिल आपको नज़र आ रहे हैं, मेसोफिल जो है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बिटवीन है, ठीक है। और वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल है। अब वैस्कुलर बंडल्स की मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे, किस में कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, किस तरह से। मेसोफिल जो है बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज़ द मेसोफिल। जो मेसोफिल होगा वो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों के बिटवीन में जो होगा ये मेसोफिल होंगे। द मेसोफिल इज मेड ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल के, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होंगे। अब लीव्स है वो ग्रीन क्यों हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट मौजूद होते हैं। अब द मेसोफिल इज़ द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस तो हम छोटी क्लास में पढ़ते आते हैं कि फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो
ये फोटोसिंथेसिस भी मेसोफिल में हो रही है। अब है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जो है वो सेंट्रल पार्ट है, लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर का सेंट्रल पार्ट है वैस्कुलर बंडल। द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेसोफिल टिश्यू इज मेड ऑफ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में दो तरह के टू टाइप्स के टिश्यूज की प्रेजेंस होती है, मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से टिश्यू हैं? जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू के क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, और फ्लोएम टिश्यू, ये टिश्यूज तो और भी होते हैं लेकिन इसमें सिर्फ वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मौजूद है। तो जाइलम टिश्यूज क्या करेंगे, ये वाटर कैरी करेंगे रूट्स टू लीव। अब पानी जो हम पत्तों को नहीं डालते, पानी हम रूट्स को डालेंगे, तो रूट्स जो हैं वो रूट्स से पानी किधर जाएगा, लीव में जाएगा। तो जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। अब है फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो फ्लोएम फूड जो तैयार शुदा खुराक होगी उसको प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक कैरी करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा उसकी, ठीक है। और फ्लोएम जो है वाटर रूट्स से लीव्स तक लेके जाएंगे, और ये फ्लोएम जो है प्रिपेयर्ड फूड को पूरे प्लांट के हर हर पार्ट तक पहुँचाएंगे। इसी टॉपिक से शॉर्ट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, व्हाट डज अ लीफ लुक ग्रीन, ये आपके बॉक्स बना हुआ है चैप्टर में साथ, तो उसमें इसका आंसर मौजूद है। व्हाट डज टोमेटो ओपन एंड क्लोज, व्हाट इज़ अपर एपिडर्मिस, व्हाट इज़ लोअर एपिडर्मिस, व्हाट इज़ जाइलम टिश्यू, व्हाट इज़ फ्लोएम टिश्यू, व्हाट डू यू नो अबाउट मेसोफिल। अब आपने रिटर्न वर्क में क्या लिखना है, रिटर्न वर्क में आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 ये 8 के लिखना है आपने, 1 and 2 ये तीन क्वेश्चन जो आपका रिटर्न वर्क है ये आपने लिखना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।